हेलो स्टूडेंट, लास्ट फ्यू वीडियोस वी डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वी ऑलरेडी डिस्कस इन सिक्स साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टुडे वी डिस्कस अबाउट द सेवन साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। सो लेट्स स्टार्ट। The silent feature of Indian Constitution are directive principle of state policies। यानी कि जो भारत का जो संविधान है उसकी मुख्य विशेषताओं में directive principle यानी नीति निदेशक तत्वों का भी एक महत्वपूर्ण योगदान माना गया है। तो जो part 4 of the Constitution lay down contain directive principle of state policy which through not judiciable and fundamental in governments of the countries। जो हमारा जो संविधान है, संविधान के जो भाग चार में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है यानी कि जो हमारी जो नीति निदेशक तत्व हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, उनका वर्णन किया गया है। बट ये भी बताया गया है कि ये नॉट जुडिशियबल यानी कि ये न्यायिक नहीं है, मतलब इनके आधार पर हम इनके खिलाफ हम जो न्यायालय में विवाद नहीं कर सकते हैं, विवाद दायर नहीं कर सकते हैं। यह केवल जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट्स होती है, जो प्रशासन होता है, उसके लिए कुछ ऐसे फंडामेंटल यानी कि मूल बनाए गए हैं ताकि वो ऐसे कार्य करें जिससे कि जो अच्छे कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित हो। एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉ। यानी कि यह एक जो स्टेट होता है, स्टेट जो गवर्नमेंट होती है, राज्य की जो सरकार होती है, जो राज्य सरकार है, उसके द्वारा इन्हें जो लॉज होते हैं यानी जो कानून होते हैं, कानून बनाने में इन प्रिंसिपल्स यानी इन सिद्धांतों का उपयोग किया जा सकता है। दिस ले डाउन द स्टेट सेल स्ट्रीव ऑफ प्रोमिटेड ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल बाय स्केयरिंग एंड प्रोटेक्टिंग द इफेक्टिवली एज द मे ए सोशल ऑर्डर इन विच जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सेल फ्रॉम द इन द इंस्टीट्यूशन इज ए नेशनल लाइफ। अगर हम देखें तो ये जो इन जो ये नीति निदेशक तत्व हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इनको अलग अलग रूप में डिवाइड किया गया है। जैसे जुडिशरी न्याय के रूप में अगर हम माने, जैसे हमारी प्रीएम्बल है उसमें बताया गया है कि जो अगर हम जस्टिस के रूप में माने तो सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिक जस्टिस का जो राइट है वो हमारे जो ऑल सिटीजन्स हैं उनको प्रोवाइड कराया गया है। उसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशन है नेशनल लाइफ यानी कि जो हमारी राष्ट्रीय जीवन है उसको किस तरीके से आगे चलाया जाए, इसके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हमने जो इसका प्रोविज़न जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। द स्टेट सेल डायरेक्ट इज पॉलिसी इन सच एज मैनर एज सिक्योर द राइट ऑफ द ऑल मैन एंड वुमेन टू द एडवोकेट मीन्स ऑफ द लिविंग हुड इक्वल पे एंड इक्वल वर्क एंड विद इन लिमिट ऑफ द इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट। यानी कि इसमें जो राज्य है, राज्य अपनी नीतियों में इन चीज़ों का ध्यान रखेगा कि जो मैन एंड वुमेन है यानी कि जो पुरुष और महिला हैं उनको एक इक्वल राइट यानी कि एक जैसे अधिकार उनको मिलने चाहिए। उनकी जो लिविंग हुड है यानी कि जो उनकी रहने की जो जीवन शैली है वो एक समान हो, इक्वल पे यानी कि जो उनको भुगतान है वो भी एक समान हो, एक इक्वल वर्क यानी कि एक जैसे कार्य के लिए एक जैसा भुगतान किया जाना चाहिए, एक जैसा पेमेंट मिलना चाहिए, पुरुष और महिला में किसी तरीके का कोई अंतर नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ उनकी जो वर्क है वो लिमिटेशंस यानी कि जो वर्क की जो कैपेसिटी है वो उसको भी लिमिट किया जाए, इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट यानी कि जो कैपेसिटी इकोनॉमिक की जो कैपेसिटी है और डेवलपमेंट यानी कि विकास है उसके कार्य किया जाए, टू मेक इफेक्टिव प्रोविज़न ऑफ
सिक्योरिंग ऑफ द राइट टू वर्क, यानी कि इसके अंतर्गत जो काम करने के जो अधिकार हैं, जो काम के जो अधिकार हैं, उनको भी सुरक्षा प्रदान की जाती है। इलेक्शन एजुकेशन एंड पब्लिक असेंशंस इज द इवन टू अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट फॉर अदर का कॉज ऑफ द अनडिजर्व पॉइंट। अब जो लोग हैं, कई ऐसे जो लोग होते हैं जो ओल्ड एज, यानी कि उनको कई काम करने के जो एबल नहीं होते हैं, काम करने की उनमें क्षमता नहीं होती है, जैसे बूढ़े लोग हैं, कुछ बीमारी से ग्रस्त हैं, ऐसे लोगों के भी अधिकारों की रक्षा करने के लिए ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल बनाए जाते हैं। द स्टेट शैल आल्सो इंड्रॉव द सिक्योर द वर्कर इन लिविंग वेज, यानी कि जो वर्कर्स होते हैं, जो यानी कि जो मजदूर होते हैं, मजदूरों के जो रहने का तरीका है वो किस तरीके से हो, किस तरीके से मजदूरों को भी सभी सुविधाएं मिलें, इस चीज़ का भी इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ध्यान रखा। जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए जो हानिकारक, यानी कि जो वर्क करते समय ऐसे काम जो एक हानिकारक यानी कंडीशंस में दशाओं में किए जाते हैं, उनसे भी उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, यानी कि जो एक जीवन का एक अच्छा स्तर होना चाहिए। एंड फुल एनवायरनमेंट ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रीज, जो उद्योग है, उद्योग में लोगों को, जो वर्कर्स होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उन्हें अच्छा इन्वॉल्वमेंट यानी कि उनकी जो सहभागिता है वो भी उसमें होनी चाहिए। इन द इकोनॉमिक स्पेयर द स्टेट ऑफ डायरेक्ट इज पॉलिसी टू सच द मैनर एज टू सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑन मटेरियल रिसोर्सेज और कम्युनिटी टू सर्व द कॉमन गुड्स, यानी कि जो इसमें जो स्टेट की जो ऐसी पॉलिसीज, ऐसे जो नीतियाँ बननी चाहिए जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओनरशिप का मतलब जो स्वामित्व है, यानी कि जिसमें अधिकार होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन वितरण है अधिकार का, कंट्रोल नियंत्रण का, मटेरियल रिसोर्सेज यानी कि जो अपने जो माल है उसके कौन कौन सी ऐसी जो ऐसे रिसोर्सेज यानी कि संसाधन होंगे, उस सब में एक तरीके का कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। कॉमन गुड एंड द इंश्योर द ऑपरेशन टू इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट द कन्फेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीज प्रोटेक्शन टू कॉमन डिमेंडेड, यानी कि इस तरीके की जो व्यवस्थाएँ हैं ऐसी करनी चाहिए कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है, यानी कि जो आर्थिक व्यवस्था है, वो इस तरीके की हो कि लोगों में ज़्यादा अंतर नहीं आना चाहिए, इकोनॉमिकली लोगों में इस तरीके का अंतर देखने को नहीं मिलना चाहिए। तो जो सेवंथ जो हमने जो साइलेंट फीचर पढ़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जिसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फोर में इसे डिस्क्राइब किया गया है। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं ये नॉन जुडिशियबल, यानी कि इनको हम कानून के अंतर्गत इसमें किसी तरीके का वाद विवाद नहीं होता। ओनली ये जो पब्लिक वेलफेयर के जो वर्क्स होते हैं, पब्लिक वेलफेयर के लिए जो काम होते हैं, उसके लिए जो ये एक तरीके से जो स्टेट होते हैं, स्टेट जो गवर्नमेंट होती है उसकी ड्यूटीज़ होती है कि पब्लिक वेलफेयर के लिए वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें और इनके अकॉर्डिंग जो रूल्स होते हैं उनको मेक करें, उनको बनाने का काम करें।